ये हमारा बकरा है और हमने इसको जो है वो कुर्बानी के लिए पाला हुआ है, तो मैं इसको अपने पास बुला रहा हूँ, वो नहीं आ रहा। गया हाथ से। दोस्तों आज तो बहुत जोर की बारिश हुई और अभी जो है बारिश रुक गई, तो दख देखें जो किस तरह जो पानी में एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों हमने जो है ना कबूतर पाले हुए हैं, देखे किस तरह खूबसूरत कबूतर है। तो आप लोग कबूतर पालते हैं या नहीं पालते? दोस्तों बारिश जो है वो बहुत जोर की शुरू है अभी, तो देखें किस तरह जो है ना तूफानी शक्ल की बारिश आ रही है। तो हम जो है अपने बैठक यानी अपने साथ में बैठे हुए हैं, इसके अंदर से जो है वो बाहर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखें किस तरह तूफानी बारिश हो रही है, अल्लाह ताला। दोस्तों दिन की टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बारिश न होने के इम्कान जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो जो है पहले से अंदाज़ा हो गया था कि शायद जो है बारिश होगी आज। देखिए किस तरह एक तूफानी शक्ल में बारिश अभी तक भी शुरू है। हम जो है अपने साथ बैठक में बैठे हैं और कुछ मेहमान भी हमारे आए हुए हैं। मौसम आखिरी है ना? मौसम सदा यक बन रहे थे, मौसम आखिरी है, बारिश आंदी पी है जोर दे जोर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, एडे वाला इक वाला ये समझाना अच्छा ना, कपड़े पूरे भी उनके कपड़े पूरे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुरम, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खुरम मदनी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको हंसता और मुस्कुराता रखे। तो वेलकम टू बैक एंड अदर व्लॉग दोस्तों, एक न्यू व्लॉग में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी एक दो दिन बाद जो है वो बकरा ईद है, तो हम जो है वो क्या कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमने क्या किया, हमने एक बकरा पाला हुआ था कुर्बानी के लिए, तो वो थोड़ा सा था मेरे ख्याल में 10 महीने का था। तो हमने क्या किया, अपने आलम दीन यानी मौलवी साहब से मशवरा किया, तो उन लोगों ने कहा कि 10 महीने का बकरा है वो कुर्बानी नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, उस बकरे को बेच दिया। उस बकरे को बेच कर जो पैसे हमें मिले, वो पैसे से हमने कुर्बानी किसी बड़े जानवर के साथ शामिल कर ली। तो इस तरह से ना हमारी कुर्बानी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आप लोगों को वो बकरा भी दिखाते हैं जो कुर्बानी के लिए बकरा हमने पाला हुआ था। तो आज ही हमने उसको बेच दिया, तो खैर अभी तक हमारे पास है, वो सुबह को लेके जाएंगे। तो वो बकरा भी चल के दिखाते हैं। और दिन को ना बारिश हुई और मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग बना लेता हूँ और आप लोगों को भी इंजॉय करा देता हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेता हूँ। तो हमारे साथ जुड़ी रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, देर किस बात की, 1 2 3 गो। ओए किधर भाई, घर है तेरा? घर कितना जरा? अच्छा मौसम ना हाल देखिए, जस्ट से वजह से क्या ना, अच्छा बारिश है वाला, हवा चलती पे ठंडे ठंडे, तू ये लोग बड़े ना पे, अच्छा अच्छा मौसम आखिरी है ऐसा, इंजॉय करने लगे हो? हाँ इंजॉय। ओए ओए ओए, पहले दिन यार गर्मी है ज्यादा और बारिश आई है ना, जरा बस ठंडा याक का देते हैं एकदम। बोले चुवार क्या करने का? पार्टी करे, बस पार्टी करे, पार्टी करे समाज। क्या आ जाए? हाँ करने आ जाए। तो तुम्हारे क्या हिंदू है? हैं सिग्नल सिग्नल क्या नहीं पाते? वहाँ पे जो है बारिश हो रही है शायद भाई सामने।
दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वहां पे, जहाँ पे जो है वो लड़के बैठे हुए हैं और शायद मेरे ख्याल में जो है वो पार्टी बनाने की तैयारी में है। तो वहां पे चलते हैं और देखते हैं वो क्या पार्टी बनाएंगे और पूछते हैं उनसे कि वो क्या पकाएंगे आज। यार आज बारिश हुई, मौसम ऐसे बहुत ठंडा हो गया, मौसम है गोश्त का मुर्गी का। अच्छा ये सामान हमने ले आया, पकाएंगे आज शाम को। ये हम है और ये हमारी क्या हो रही है, पार्टी हो रही है। ये हमारी हो रही है पार्टी। अच्छा ये हम है और ये हमारे दोस्त है, हम पार्टी कर रहे हैं। पार्टी पार्टी कर रहे हैं, पार्टी टमाटर की पार्टी हो रही है। गोश्त उधर फ्रिज में रखा हुआ है, हमारा गोश्त फ्रिज में रखा हुआ है। डबल खर्चा करते हैं हम, सुबह एक दो दिन बाद वो यार कुर्बानी फिर उधर से मौजे उठाएंगे हम मौजे। अच्छा आज भी पार्टी है फिर कुर्बानी है, इतने गोश्त खा के फिर ज्यादा मोटे हो जाओगे। ज्यादा मोटे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा कुछ सुनो, कुछ सुनो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा कुछ गाना सुनाओ, आज मौसम बहुत अच्छा है, गाना सुनाओ नानो। ये मैं के, ये मैं के सुनाओ। अल्लाह सुनो सुनो सुना सुना तुम सुना, हमको गाना नहीं आता जा रही। सुनो मौसम बार सुनो। नहीं नहीं दादा वो बकरा बेच दिया मैंने। किसने में क्या दिया? 30,000 का कराओगे है? ठीक किया हाँ, मुझको मेरे वो बकरे ले लेके गए 20,000 में। बोला नहीं बोला है, वो मेरी कड़ा था, मेरे दिन भर वाला आया है। 20,000 नहीं दिया आपने? 25,000 से रुपया कम है। अभी ईद का सीजन है, जितना माल मांगो उतना देंगे कुर्बानी। अच्छा हाँ जबा करेंगे माल को। चलो चलो बकरी दिखाओ, बकरी दिखाओ। हम अच्छा वाले आप अच्छे वाले, थोड़ा सा एंजॉय कराते हैं, एंजॉय इनको है। ये हमारा अली भाई है। अली भाई है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा ये उधर पहाड़ से गोश्त लेके आया हमारे लिए। दोस्तों चलते हैं वहां पे, जहाँ पे जो है वो बकरियां चर रही हैं, तो हमारा बकरा भी वहां पे चर रहा है। तो वो बकरा जो है हमने बेचा, तो पहले हमने कुर्बानी के लिए जो है वो पाला हुआ था, तो कुर्बानी नहीं हो सका क्योंकि वो छोटा था, तो हमने इसको ना 21,000 में बेच दिया। तो चलते हैं, वो बकरा जो है हमारा था हमने बेच दिया। वो बकरा मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखें और बताएं कि किस तरह हमने वो अच्छे रेट में बेचा या कम रेट में। तो ये है हमारा बकरा सामने वाला, ये बकरा 21,000 में बेच दिया। ये निकल गया हाथ से, दोस्तों इस साइड में देखें तो पहले बारिश हुई और बारिश आने के बाद जो है वो कैसा खूबसूरत व्यू लग रहा है। तो हवा भी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है और मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा। बाहर निकला एंजॉय कर रहे हो क्या? जी जी एंजॉय कर रहा, मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा ये सूरज ग्रुप होने वाला है अभी। दोस्तों हमारे घर के साथ ना बिल्कुल ये घास जो है हमारे हमसाय की है, तो उन लोगों ने ये घास उगाया और बहुत ही एक खूबसूरत व्यू लग रहा है इस घास को देखकर। दोस्तों देखें बारिश आने के बाद जो है मौसम किस तरह खूबसूरत लग रहा है और सूरज जो है वो बिल्कुल गुरूब होने वाला है। तो यहाँ का माहौल और व्यू देखें कैसे खूबसूरत लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। दोस्तों फिर से जो है मैंने यहाँ का जो व्यू आपको दिखाया क्योंकि मुझे भी पसंद आया, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सूरज जो गुरूब होने के टाइम। दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, किन पे खरीद कर रहा लंगर हज के लिए।
आज के दिन में लंगर चल रहा है। हाँ। तो लंगर खाएंगे फिर बोतल पीते हैं चल के। कोक का बोतल पीते हैं। अच्छा। बारिश भी तैयार है। बारिश बड़ा बन गया माशाल्लाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हवा चल रही है कि मेरे ख्याल में अब तक जो है वो आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आवाज़ आ जाएगी, क्योंकि ये मेरे पास माइक है ना, ये इसकी वजह से ना थोड़ा बहुत वो आवाज़ है आप लोगों तक पहुँच जाती है। तो हमारे साथ जुड़ी रही है, इंशाल्लाह हम आपको ऐसे विलेज ब्लॉग दिखाते रहेंगे और जिस तरह हम काम करने जाते हैं या मजदूरी करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हम ब्लॉग बनाते रहेंगे और आपको इंजॉय कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर एक और नए ब्लॉग में और एक नए तरीके से। तो अल्लाह हाफिज़।